मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनिक आईयूपीएसी नेमिंग। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग सीखने से पहले हमें जानना होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या। तो हमारा मेन चैप्टर है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जानते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे चारों, और उनमें कहीं ना कहीं कार्बन है, और वो सब हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी आसान भाषा में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा किस एलिमेंट के कंपाउंड है। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कार्बन। गलत, इसका आंसर है हाइड्रोजन, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें हाइड्रोजन ऑलमोस्ट है ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जिनमें कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन है। तो इससे पता चलता है सबसे ज्यादा कंपाउंड किस एलिमेंट के हैं, और वो है आंसर हाइड्रोजन। तो हमें स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शंस वन बाय वन। सबसे पहले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द फॉलोइंग एलिमेंट्स मे आल्सो बी प्रेजेंट। आसान लैंग्वेज में, कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स एक्सेस्ट्रा कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, देर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज एवरी ईयर्स। वही, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हजारों नहीं लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखते हैं, और हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पर डे डिस्कवर होते हैं। एक आइडिया से 10 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आ चुके हैं। क्या पता चल रहा है ऐसा? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बन की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के साथ, और इस तरह से वो अलग अलग तरह के बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं द रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइज इन द प्रायोरिटी ऑफ कैटेनेशंस। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशंस। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी एलिमेंट है, भले ही वो कार्बन ही हो, कार्बन दूसरे के साथ कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, तो एक लंबी सी एरो टाइप एरे बनती है जो हमारे लिए, वो चेन हमारे लिए क्या होगी? कैटेनेशन। यानी वन कार्बन अटैच टू अदर कार्बन, और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैटेनेशन का काम करेगा, यानी आसान लैंग्वेज में सेल्फ लिंकेज इन कार्बन। तो ऐसा क्या रीजन है कि कार्बन कैटेनेशन बहुत ज्यादा देता है? उसको जानने के पहले हमें थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट है जो कार्बन फैमिली से है। कार्बन है, सिलिकॉन है, गैलियम है, टिन है, लैड है एक्सेस्ट्रा। तो हम वन बाय वन इन पॉइंट्स को बोलते हैं कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, सिलिकॉन सिलिकॉन और कम हो जाएगी, और ये गैलियम गैलियम और कम हो जाएगी, टिन टिन और कम होगी, और लैड के बीच में एनर्जी बहुत ही कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ एटम। साइज जितना ज्यादा छोटा होगा, ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाएगी। आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, उनमें पार्शियल चार्ज जनरेट होगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, जिससे उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलोंग द पीरियड, वो हमें और देखना है। बॉन्ड ऑर्डर, ऑब्वियसली अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, डबल बॉन्ड है ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड है और ज्यादा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, यानी बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। कुछ आइडिया दे रहा हूँ, एग्जाम्पल, कार्बन कार्बन की साइज अगर देखी जाए तो हमारे लिए साइज फैक्टर किसका ज्यादा होगा? सिर्फ साइज फैक्टर से अगर हम बात करें तो साइज सिलिकन सिलिकन की ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? कार्बन कार्बन की। तो अगर आपसे साइज पूछा जाए किसका ज्यादा है, तो वो आंसर आपका आएगा सिलिकॉन सिलिकॉन। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी पूछी जाए आपसे, तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है सिलिकॉन सिलिकॉन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे जैसे हम देखेंगे, तो सबसे ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें होगा? एच एफ में। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से भी बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर, अब सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसमें केवल फर्स्ट बॉन्ड है यानी सिग्मा होगा, जबकि इसमें एक सिग्मा और एक पाई, इसमें एक सिग्मा, एक पाई, एक और पाई, यानी कि कितने टोटल बॉन्ड हो गए? एक सिग्मा, दो पाई, टोटल तीन बॉन्ड हो रहे हैं। यहाँ बॉन्ड एनर्जी क्या है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। जैसे ही डबल हुआ,
1.34, ट्रिपल बॉन्ड हुआ 1.20, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होगी। एक बार और मैं बोलना चाहूंगा, यहां सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड थोड़ा वीक है इन दोनों के कंपेयर में, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम होगी। इन दोनों में, इसमें डबल बॉन्ड है, तो अब बॉन्ड बढ़ चुका है, तो जब बॉन्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ज्यादा होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, कम और कम। अब इधर देखिए, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 कोई भी पाई नहीं है, तो इसका मतलब कार्बन से अटैच चारों जो ऑर्बिटल हैं, एक s और तीन p, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। एक पाई बॉन्ड है, यानी एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा, p नहीं करेगा, तो चार थे sp3, तब कितने बचे, तीन, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। यहां कितने, दो पाई बॉन्ड है, यानी कि दो पी ऑर्बिटल पाई में गए, तब कितने बचे, सिर्फ दो, एक एस एक पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा यहां पर, एस पी। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या है, एस पी, ठीक है। देखिए कैटेनेशन इन कार्बन, अब ये कैटेनेशन है क्या, मैं भी हाल बात कर रहा हूं आपसे, एक एटम दूसरे एटम के साथ अटैच हो रहा है और लाइन से अटैच होए जा रहा है, तो ये जो लाइन से अटैच होता जा रहा है, लिंकेज टाइप स्ट्रक्चर बन रही है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन, कार्बन का कैटेनेशन ये है कि इनफाइनाइट कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, क्या कोई और एटम हो सकता है, क्या ऑक्सीजन हो सकती है, क्या नाइट्रोजन हो सकता है, नहीं, कार्बन ऐसा क्यों क्यों शो कर रहा है कि कैटेनेशन, फर्स्ट उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, सेकेंड उसके पास बहुत ज्यादा वैलेंसी है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बॉन्ड बना सकता है। तो मैं फिर आपके साथ आ रहा हूं, द एलिमेंट कार्बन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन और सेल्फ लिंकेज ड्यू टू इट्स टेट्रावेलेंसी, सो दैट इट कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विद मेनी एलिमेंट्स एज वेल एज कार्बन इटसेल्फ, यानी खुद के साथ तो बना ही सकता है और किसी और के साथ भी सिग्मा बॉन्ड आसानी से बना सकता है और एक से ज्यादा भी बना सकता है क्योंकि चार चार वैलेंसी है। दूसरा पॉइंट, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, जब आपके पास चार वैलेंसी है तो आप कितने बॉन्ड बना सकते हो, एक बॉन्ड बना सकते हो, दो बॉन्ड बना सकते हो, तीन बॉन्ड भी बना सकते हो सामने वाले के साथ, लेकिन चौथा नहीं बनेगा क्योंकि आपके पास डायरेक्शन तो तीन ही है, एक्स पे बना लिया, एक वाई पे बना लिया, एक जेड पे बना लिया, तो टोटल बॉन्ड्स कितने बनेंगे, तीन, तो चौथा बॉन्ड कहां बनेगा, वो आप किसी और के साथ बनाएगा, किसी और के साथ बनाएगा यानी लिंकेज हो गया, फिर वो किसी और के साथ बनाएगा, फिर वो किसी और के साथ, तो एक तरह से ये क्या हो गया, लिंकेज हो रहा है हमारे साथ, और यही प्रॉपर्टी तो हमारे लिए क्या कहला रही है, कैटेनेशन, यानी मॉलिक्यूल जितना बड़ा बना सकते हो बना दो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होंगे और इसी को हम क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। नाउ नेट इट, नेक्स्ट इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, देयर इज एफिशियंट कैटेनेशन ओवरलैपिंग बिटवीन टू पी ऑर्बिटल, वाह, कैटेनेशन तो बना ही सकता है लेकिन साथ में एक दूसरे के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है जिससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सपोज एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, एल्केन बनती जा रही है, सिंगल सिंगल बन रहा है लेकिन अचानक से एक डबल बॉन्ड बन गया, एल्कीन हो गई, अचानक से एक ट्रिपल हो गया, एल्काइन हो गई, तो यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ये सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। तो फॉर एग्जांपल इसने पहला ये सिग्मा बनाया, अब ये यहां क्या बना रहा है, उसके साथ पाई भी बना रहा है, सिग्मा बन गया, पाई भी बन सकता है, लेकिन सिलिकन क्या बनाएगा, सिलिकन का पाई बनेगा ही नहीं, तो वो सिर्फ सिग्मा बनाएगा, तो उसकी कैटेनेशन की टेंडेंसी कार्बन के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी, बहुत कम तो नहीं बोल सकता क्योंकि उसके पास भी चार वैलेंसी है, तो कैटेनेशन क्या सिलिकॉन शो करेगा, हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन कार्बन कुछ एक्स्ट्रा करेगा क्योंकि वह सिग्मा तो बना ही सकता है, पाई भी बना सकता है, सिलिकॉन पाई क्यों नहीं बना सकता भाई, क्योंकि पाई बनाने के लिए जो ऑर्बिटल है वो सिलिकॉन के पास कौन सा है, 3p, और 3p के साथ इफेक्ट ओवरलैपिंग क्या होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, इस कारण सिलिकॉन की कैटेनेशन टेंडेंसी या पावर आप बोल सकते हैं कि कार्बन के कंपेयर में क्या होगी, बहुत कम होगी, और एलिमेंट के कंपेयर में हो सकता है ज्यादा हो, क्यों, क्यों, क्योंकि उसके पास चार वैलेंसी तो है, तो इस कारण वो कई एलिमेंट से ज्यादा कैटेनेशन शो कर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन ही है, वो फोर वैलेंसी तो रखता ही है, साथ में वो सिग्मा और पाई बनाने की
टेंडेंसी भी बहुत अच्छी रखता है, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी की वजह से उसकी कैटेनेशन पावर बहुत ज्यादा होगी। तो आप ये सब लिखिए, सारे पॉइंट वन वन करके लिखिए। करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको कैसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमारा चैप्टर छोटे छोटे पार्ट्स में आ सके। ठीक है, देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। यानी हमारा मेन कंटेंट है, मेन टॉपिक है, वो है क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हम मानते हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी इसके अंदर लगभग हमारे 10 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, और इन कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, जिसमें असाइक्लिक यानी साइकिल नहीं होना, तो ये हो जाएगा असाइक्लिक, और एक हो गया साइक्लिक। असाइक्लिक यानी कि साइकिल नहीं होना, तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। जो साइक्लिक हैं उन्हें हम बोलेंगे क्लोज चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। यानी हमारे पास जो 10 लाख कंपाउंड है, तो उनमें से कुछ कंपाउंड असाइक्लिक में चले गए और कुछ कंपाउंड साइक्लिक में चले गए। आगे तो जो असाइक्लिक में गए हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं हम, और वो है हमारे लिए सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड, इतना तो हमें मालूम है कि साइकिल नहीं बन रही है। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, कि उसमें एक भी हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए कहीं भी भी। तो वो सारे कंपाउंड जिसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड। यानी इसको हमें अब फर्दर क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर सिर्फ ले सकते हैं एल्केन, एल्केन। और इसका एग्जांपल होगा जिसमें एक भी कार्बन पे हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास कंटिन्यू कार्बन ही कार्बन है, इसमें कहीं पे भी कोई हमारे पास पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी अब हमारे पास आता है अनसैचुरेट यानी पाई बॉन्ड है, अगर दो किन्हीं भी दो कार्बन के बीच में एक भी पाई बॉन्ड है तो वो हो जाएगा एल्कीन, और अगर एक सिग्मा और दो पाई है तो फिर वो हो जाएगा एल्काइन। एक बार और सीखते हैं हम इस, यानी अनसैचुरेटेड को फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं हम एल्कीन एल्काइन। ये सिग्मा, सिग्मा तो हर जगह होगा, बिना सिग्मा के काम नहीं चलेगा। ये दूसरा कार्बन, अब जो पहला सिग्मा के बाद जो भी बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, पाई। कार्बन की चार वैलेंसी है, बाकी अदर ग्रुप्स या एटम से जुड़ी हुई है, तो ये तो हो जाएगा एल्कीन। लेकिन अगर एक सिग्मा एक पाई एक और पाई, यानी अब एक सिग्मा दो पाई है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एल्काइन। तो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन करा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें साइक्लिक, साइक्लिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड के अंदर एल्कीन एल्काइन। अब आगे साइक्लिक है, हमें ये तो मालूम पड़ गया साइक्लिक है, और वो क्या है, क्लोज है। तो अब क्लोज में भी हमारे पास हो जाएगा एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये एरोमेटिक भी है। यानी साइकिल के साथ इनमें एक अलग टेंडेंसी होती है कि इनमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कुछ एक्स्ट्रा ही कम होती है, तो ये बहुत ज़्यादा धुएं के साथ यानी फ्यूम के साथ ये बर्न होते हैं। जैसे आप पेट्रोल को जलाते हो, बिना धुआं बने वो बहुत आसानी से जल जाता है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा धुआं जलते वक्त निकलता है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे एरोमेटिक। इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया एरोमेटिक, और एक हो गया एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक फर्दर क्लासिफाइड होगा होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस या कुछ विपरीत नेचर, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक
होमो आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइकिल बड़ी हो या छोटी हो, साइकिल के अंदर जितने भी एटम है या साइकिल के आने वाले एटम, वो सब क्या है? होमोसाइक्लिक। क्या ये साइक्लिक है? हाँ। होमोसाइक्लिक है? हाँ। क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ। क्या ये होमोसाइक्लिक है? हाँ। ऑक्सीजन बाहर है, अंदर नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन है साइकिल में, और 6 के 6 क्या है आपके पास? कार्बन है, कोई अलग एटम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक। यहां आपके पास अभी तक तो होमो है, अभी तक तो ये साइकिल ही नहीं है, लेकिन अभी ये क्या है? होमोसाइक्लिक। अगर कोई भी साइकिल का एटम आपने कार्बन की जगह नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कुछ और ऐसा ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। बाहर क्या एटम है उससे मतलब नहीं है मुझे, साइकिल में आने वाले एटम सब कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, और नहीं है तो हेट्रोसाइक्लिक। अब बात आती है एरोमेटिक। एरोमेटिक कुछ इस तरह का होता है, इसमें भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, होमो एरोमेटिक और हिट्रो। तो हिट्रो का मतलब वही चीज मैंने आपको बताया कि अलग अलग, कोई भी एक एटम साइकिल वाला अलग हो गया तो होमो। आज ये बेंजीन है, बेंजीन इसमें सारे कार्बन है तो ये क्या हो गया? होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर एक भी एटम कार्बन को हटा के अगर हम नाइट्रोजन लगा देते तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोसाइक्लिक। तो ये साइक्लिक भी है, होमोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक भी है। तो मैं एक बार और बताऊंगा, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफाइड किया, जिसमें से हमने सबसे पहले करा ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल में फिर हमने फर्दर क्लासिफाइड करा सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड विदाउट पाई बॉन्ड, अनसैचुरेटेड विद पाई बॉन्ड। अनसेचुरेटेड फिर फर्दर क्लासिफाइड किया, 2 कार्बन एटम के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई एल्कीन, 1 सिग्मा 2 पाई एल्काइन। आगे साइक्लिक को हमने फिर फर्दर क्लासिफाइड करा एली साइक्लिक एरोमेटिक। एली साइक्लिक में कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होता पाई बॉन्ड का, तो हम इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। और अगर कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन कार्बन को छोड़ के साइकिल से बाहर है तो भी मैं उसको होमो ही बोलूंगा। मुझे होमो तब बोलना है जब साइकिल वाले सारे एटम कार्बन है, और हिट्रो तब बोलना है जब साइकिल में कोई भी एटम कार्बन नहीं होके ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है। दूसरी तरफ होमो एरोमेटिक, यानी सेम वही एरोमेटिक है। ये एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक क्या होता है, ये हम आगे बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि बेंजीन एक एरोमेटिक है। अब इस बेंजीन के अंदर सारे कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमो। और अगर एक भी कार्बन नाइट्रोजन या किसी और एटम से रिप्लेस होता है तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। आप इन सबको बहुत ध्यान से देखिए और लिखिए इनको। हाँ, तो दोस्तों ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने ये पढ़ा कि कैसे हम उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी छोटी छोटी बातें जो हमें और ज़रूरत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वास्तव में सिग्मा और पाई बॉन्ड की वजह से कैसे दिखते हैं, यानी उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें वन बाय वन समझना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि कार्बन है क्या, थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे। कार्बन में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है, यानी कार्बन में आपके पास 2s2, 2p2 होता है, और कार्बन हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग बनाता है, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2s1, 2p3। तो यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। अब यहां पर कुछ खास बातें होती है जो आपको मुझे बतानी है। अगर आपके पास सारे सिग्मा है तो हम इसको sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? sp3। और इसमें सारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। पहला बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे हम सिग्मा बोलते हैं। और अगर एक भी पाई हो गया तो पहला सिग्मा होता है और दूसरा हमेशा पाई होता है, तो इसको हम बोलते हैं sp2। और इसमें कार्बन प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और हम इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। एल्कीन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि हमारे पास
ये एक पाई बॉन्ड है जो कि ये अलग है, यानी ये तो हमारे लिए सिग्मा बॉन्ड हो गया, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा वो इस तरह से होगा। बताओ कितने पाई बॉन्ड है, ये दो या एक? ये एक ही कहलाता है, तो यानी ये पाई बॉन्ड एक है, यानी ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती है। ये पूरा एक पी ऑर्बिटल है जो कि डंबल शेप का होता है। फिर बात आती है एल्काइन की। ये हमारे पास एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यानी आप समझ सकते हैं पहला वाला सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह की है। ये एक्स एक्सिस पे इसने क्या बना लिया? सिग्मा। तो अब वाई एक्सिस पे इसने क्या बना लिया? पाई। यानी ये बहुत कम ओवरलैपिंग होती है लेकिन होती है। तो ये पाई बॉन्ड पे क्या बना लिया? सॉरी, वाई एक्सिस पे क्या बना लिया? पाई बॉन्ड। और अब जेड एक्सिस की बारी आ रही है। तो ये जेड एक्सिस पे एक और हमारे साथ क्या बना चुका है? पाई। तो ये पाई अलग है, ये पाई अलग है। तो बताएं इसमें कितने पाई हैं? एक सिग्मा, एक पाई, एक पाई। इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी बोलते हैं, यानी जैसे जैसे पाई आता जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 फिर sp हो जाएगा। और यहां पर ये लीनियर होता है, यानी यहां हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ सकता है, इस कार्बन पे क्या है? sp। यानी वो सारे कार्बन जिस पे एक भी पाई नहीं है sp3, एक पाई है sp2, दो पाई है sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, सेकंड पाई होगा, थर्ड पाई होगा। तो ये एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो आपको जरूरत है, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? लीनियर। क्या कहलाएगा? लीनियर। तो अगर दो कार्बन के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक पाई है हम ऐसे करेंगे, और एक और पाई है हम ऐसे करेंगे। तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और बीच में छोटी सी लाइन ये पाई को बताएगी। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और इनके बीच में इस तरह से हम शो करेंगे। तो यहां हमारे पास क्या हो गया? एक पाई, दो पाई और एक सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको क्या बोलेंगे? एल्केन। इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। और इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये हमारे पास, एक बार और मैं समझा रहा हूं, कार्बन है, एटम है, तब तक ये मॉलिक्यूल बनाने जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। यानी एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास हमेशा चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चारों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया sp3, चारों में एक ने पाई बना लिया sp2, दो पाई बन गए, ये एक ही पाई है, ध्यान रखना, ऊपर नीचे मिला के एक ही कहेंगे, एक पाई है sp2, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों प्लेनर है? क्योंकि आपको ये प्लेन में ही दिखाई देगा। देखिए तीन बॉन्ड है, तीनों ट्राइगोनल प्लेनर है। इस पे भी तीन बॉन्ड है, दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग बताई जाती है कार्बन की, दोनों ही ट्राइगोनल प्लेनर है। इसके पास एक सिग्मा, दो पाई है, ये एक सिग्मा आ गया और एक पाई और दूसरा पाई, यानी ये मॉलिक्यूल भी लीनियर दिखेगा। कार्बन हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन दूसरा हाइड्रोजन, सब एक साथ एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं। ओके, लिखिए इसको जल्दी से।